प्रिय विद्यार्थियों, अकाउंटिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का फाइनेंस टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को सीखने के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, इस ट्यूटोरियल को सीखने के पश्चात आपके जितने भी डाउट्स हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के संबंध में वो क्लियर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। दूसरा, आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो फाइनेंस का एक बहुत ही जटिल टॉपिक है को सरल विधि से समझ सकेंगे तथा इसके बाद आप इसको अपने व्यापार में, अपनी संस्था में इस्तेमाल कर सकेंगे यदि आप फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पर हैं। तो चलो सीखते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक तकनीक है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अनुमान लगाया जाता है तथा यदि फाइनेंस मैनेजर को यह लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट से ज़्यादा है, अर्थात लोन लेने पर जो हमें ब्याज देना होगा यदि वह व्यापारी द्वारा कमाए गए लाभ से कम हो तो व्यापारी जो है, यदि कंपनी है, वह शेयर इशू करने के बजाय डिबेंचर इशू कर कर्जा प्राप्त करती है तथा उसे व्यापार में लगाती है। तो इससे क्या होगा कि जो फिक्स चार्जेस हैं इंटरेस्ट को देने के बाद जो भी बचेगा वह शेयर होल्डर्स का होगा, अर्थात यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोन लिया जाता है पर इस कंडीशन पे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यदि आपके व्यापार में ऐसी स्थिति है कि आपका जो प्रॉफिट है वह इंटरेस्ट ऑन लोन से ज़्यादा है तो बजाय आप शेयर फर्दर इशू करने के संबंध में लोन इशू करना बेटर है, अर्थात आप कर्जे के द्वारा अपने विभिन्न संपत्तियां खरीद सकते हो। तो आप इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ गए। इसके बाद आता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज भी ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी है या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। डिफरेंस क्या है कि इसमें हम एसेट को खरीद लेते हैं, उसी फंड से खरीदते हैं जो हमने लोन लिया, तो जो इसका प्रॉफिट होगा उससे हम इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करते हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। लिवरेज का मीनिंग भी पावर है, शक्ति है। इस प्रकार से शेयर होल्डर की शक्ति बढ़ती जाती है, इसे ही फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बहुत गहरा संबंध है तथा दोनों ही बहुत ही अच्छी तकनीकें हैं जिससे कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस का शेयर मार्केट वैल्यू प्लस ईपीएस को इंक्रीज किया जा सकता है। धन्यवाद तथा प्लीज़
कीप इन टच विद अकाउंटिंग एजुकेशन,